था थमा थमा सा, कुछ रुका रुका सा, लेकिन बढ़ चला अब दौड़ पड़ा व्यापार हमारा, जब मिला पीएम स्वनिधि का सहारा। जी हाँ, देश के 56 लाख से अधिक रेड़ी पटरी वालों पर सटीक बैठती हैं ये लाइनें। कोरोना महामारी ने पथ विक्रेताओं की जिंदगी पर विराम सा लगा दिया था। उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की, जो पथ विक्रेताओं का वर्तमान बेहतर करने के साथ ही भविष्य भी संवार रही है। ऐसी ही एक कहानी है जम्मू के गांधीनगर में फास्ट फूड की रेहड़ी लगाने वाले मोहन लाल जी के जीवन की, जिनकी रफ्तार पर ब्रेक लग गया था, आर्थिक तंगी आ गई थी, उन्हें निराशा ने चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन फिर पीएम स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी मिली और उन्हें बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए का ऋण मिला। बस फिर क्या था, फास्ट फूड की रेड़ी की रफ्तार सचमुच फास्ट हो गई। उन्होंने फिर एक बार 20 व 50,000 का लोन लिया और व्यापार को विस्तार दिया। अब तो बस खुशियां ही खुशियां हैं। आइए मोहनलाल जी से ही सुनते हैं उनकी स्वनिधि यात्रा के बारे में। मेरा नाम मोहनलाल है, मैं जम्मू गांधीनगर में रेड़ी लगाता हूँ। लॉकडाउन में मैंने 10,000 रुपये का लोन लिया था, फिर उससे थोड़ा मैंने कारोबार बढ़ाया, फिर उसके बाद 20,000 रुपये लिया, उसके बाद फिर 50,000 रुपये लिया, उससे थोड़ी रेड़ी और अच्छी सी साफ सुथरी बनाई और हम वहीं पर काम करते हैं। फिर सरकार की बहुत ही अच्छी स्कीम है और बहुत ही अच्छा है वहाँ पर, तो जो हम ये लगाते हैं रेड़ी वगैरह, बहुत ही यहाँ पे VIP टूरिस्ट वगैरह वहाँ पे आता है, वो खाता है और बहुत खुश होता है, कहता है रेस्टोरेंट से भी अच्छा रेड़ी पे मिलता है, यहाँ पे साफ़ सफाई है और हमारे सामने फ्रेश और ताज़ा बनाते हो आप लोग, और हम बहुत खुश हैं। उसकी वजह से मैं प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, हमारा बिज़नेस भी बहुत अच्छा है आजकल, तो इतना अच्छा है कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट, और हमारे वहाँ पे इतनी हड्डें वगैरह बनी हुई है कि कम से कम पूरी मार्केट खाने की, और सभी रेड़ियाँ हैं बहुत ही अच्छी, म्यूनसिपलिटी वालों ने बहुत ही स्पेशल और साफ़ सुथरी बनाई है, जून बना हुआ है, बहुत बढ़िया हमारा, हम PM को धन्यवाद देने जाते हैं। ये था मेरी यानी मीनाक्षी की आवाज में आज का पॉडकास्ट स्वनिधि से नया सवेरा। अगले सप्ताह हम फिर लेकर आएंगे एक नई कहानी, तब तक के लिए नमस्कार।